क्या आपको लगता है कि छुपन छुपाई सिर्फ बच्चों का खेल है? ये सच नहीं है। आप इस पुरस्कार को जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। बेटी ने खतरनाक छुपन छुपाई की चुनौती की घोषणा की। वाह, ये काफी सारा पैसा है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान को ये मिलेगा। जो इंसान सबसे अच्छा छिपेगा और बिल्कुल अंत तक पकड़ा नहीं जाएगा, और बाकी को सजा दी जाएगी। क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए? अब चैलेंज शुरू होता है। बारबरा और कैंडिस दूसरी मंजिल पर शुरू करने का फैसला करती हैं। सवाल ये है कि वो कहाँ छिपेंगे। हे, ये इतना स्लिपरी क्यों है? कोशिश करना कि तुम्हारी टांगे ना टूटे। तुमने नहीं सोचा था कि वो इतना आसान होगा? बेशक, बेटी ने जाल बिछाया, शावर जल के साथ एक लेमिनेट फ्लोर। ओह, मैं कितनी समझदार हूँ। मुझे आश्चर्य है कि कौन स्लिपरी ढलान में खड़ा हो पाएगा। मैं रुक नहीं सकती। सैली और चार्ली भी छिपने की जगह ढूंढ रही है। शायद इस कमरे में एक अच्छी जगह है। कैसा रहेगा अगर हम पर्दे के पीछे छिप जाए? क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छा आइडिया है? ये बहुत स्पष्ट है, ये काम नहीं करेगा। लेकिन क्यों? देखो, तुम बिल्कुल नहीं देख सकते। ये, लेकिन तुम्हारे स्नीकर्स बाहर आ रही है। इस तरह हम जीत नहीं पाएंगे। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो भी, चलो बस इन्हें एक पल के लिए छोड़ दें और देखें कि मैरी क्या कर रही है। दूसरों से उल्टा, वो ऊपर नहीं छिपना चाहती। वो सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से कमरे में जाती है। नहीं, ये सामान से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? हो सकता है कि रसोई में कोई छिपा हुआ कोना हो। नहीं, मैं इस दराज में भी नहीं जाऊंगी। तो मैं क्या करूं? ओह, बेटी के एक और जाल में बारबरा आ गई। एक स्टायरोफोम शावर। यहाँ हर दरवाजा खतरे की ओर जाता है। बेटी को ये सब समझ में आ गया और उसने दरवाजे के ऊपर स्टायरोफोम बॉल्स का एक कप लगाया। इसे फिशिंग लाइन के साथ दरवाजे के हैंडल से बांध कर। बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे बुरी बात है कि यहाँ छिपने की जगह नहीं। उसे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। चार्ली और साली भी असहाय होकर दौड़ रहे हैं। सोफे के पीछे छिपूं? ये बहुत खराब है। चार्ली, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ग्रैंड प्राइज जीत सकते हो? जाहिर है, ऐसी जगह छिपने से तुम पैसे नहीं देख पाओगे। हे, मुझे अभी गेम से बाहर मत निकालो। बेहतर होगा अपनी किस्मत बगीचे में आजमाओ। पेड़ में छिपूं? ये छिपने की बुरी जगह नहीं है, लेकिन मैं इसमें ब्लेंड नहीं हो पा रही। ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए। ओह, लगता है मैं किसी मुश्किल में हूँ। ये क्या है? बेटी का एक और मजाक, लॉन पर स्लाइम के टुकड़े को छोड़ना अब तक का सबसे अच्छा जाल है। मैरी कुछ भी करने के लिए बेताब है, जैसे बीच पर छिपना, चेस के नीचे छिपना कैसा रहेगा? मैं क्या कर सकती हूँ? एक और दरवाजा जिसके पीछे जाल है। इस बार ये सैली की भुगतने की बारी है। ओह, ये सिर्फ पंख है, कितना प्यारा है। बेटी का एक और आविष्कार, ये सिर्फ एक गुब्बारा है जिसके अंदर पंख है, एक पिन और कुछ मास्किंग टेप। पिन को दरवाजे पर टेप से लगाए और गुब्बारे को डोर जाम से जोड़ दे। दरवाजा खुलता है, गुब्बारा फटता है, मुहाहाहा। और मेरी के पास लगता है बढ़िया आइडिया है, लेकिन पहले उसे बदलना होगा। चलो अब एक शावल ले और खोदना शुरू करें। मैरी को पकड़ने के लिए गड्ढा काफी गहरा है। अब वो खुद को रेत में दबा लेती है। वो जीतने के लिए कुछ भी करेगी। हे चार्ली, क्या तुम मेरी बाहों को दफना सकते हो? मैं एक दोस्त की भी मदद ले सकती हूँ। और फाइनल टच के लिए सिर पर एक बाल्टी। स्लाइम के बावजूद चार्ली निर्धारित है। ओह, एक सन बेड। मेरे बैकपैक में कई टेप थी। चलो कुछ ट्राई करें। पहले तुम्हें कुर्सी के नीचे रेंगना होगा। और अब ये सबसे मुश्किल हिस्सा, अपने आप को कुर्सी पर टेप से लगा लें। नहीं, तुम ये खुद नहीं कर सकते। ओह, बारबरा मदद कर सकती है। यिक्स, तुम स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि मेरा शरीर सुन्न हो रहा है। चैलेंज के लिए कुछ भी। इस बीच लगता है बारबरा को भी सही समाधान मिल गया।
प्रिंटेड तस्वीरों से एक नकली खिड़की बनाए और उसके पीछे छिप जाए। ये एक शानदार आइडिया है। ये हो गया, बहुत खूब। ठीक है, बारबरा तैयार है। यह बहुत तंग है लेकिन यह सुरक्षित है। लेकिन ऐसा लगता है हम कैंडिस को भूल गए। वो बाथरूम में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करती है, पर पहले उसे अंदर घुलना मिलना होगा। तुम्हें सफेद कपड़े चाहिए। हो गया, चलो कुछ भारी किया जोड़े। सिर को छिपाए, पैरों को और हाथों को। ठीक है, आपको बस एक टॉयलेट बनने का नाटक करना है। ओह, मिलती हुई एक्सेसरीज के साथ। और कौन अभी तक तैयार नहीं है? साली, शायद एक अलमारी। ये एक बेकार आइडिया है। ओह, एक घड़ी। कुछ दिलचस्प होने वाला है। कुछ टेप और एक रबर बैंड ली। घड़ी के पीछे रबर बैंड को टेप से लगाए और उसे अपने सर पर रखे। मैं एक बिग बैन जैसी लग रही हूँ। अब तुम्हें छिपने के लिए एक जगह चाहिए। एक दिक्कत है कि तुम कुछ देख नहीं सकते। एक रैक एक सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। चलो फालतू चीजों को निकाल दे और रैक के पीछे खड़े हो जाए। घड़ी को शेल्फ पर रखें और अपना फैंसी हेड गियर पहन ले। वो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, समय समाप्त हुआ। ठीक है, चलो। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। पहले आपको जांचने की जरूरत है कि क्या वो जाल में फंस गए। खैर हाँ, जाल के निशान आपको वहां ले जाएंगे जहाँ आपको जाने की जरूरत है। बाथरूम, चलो देखते हैं हमें यहाँ कौन मिलता है। ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं, वो अजीब है। ओह, ठीक है, क्या मैं चीजें देख रही हूँ? नहीं, वो पहली खोज है। खेल खत्म। क्रिएटिविटी के लिए कोई प्राइज नहीं है। लेकिन ये रही तुम्हारी हारने की सजा। लाल मिर्च, असल में मिर्च का रस। कैंडिस को ये पीना पड़ेगा। मेरे गले में जलन मच रही है। तुम्हें छिपने में बेहतर होना चाहिए था। बेटी दूसरे प्रतियोगियों की तलाश में है। पर्दे के पीछे कोई नहीं है, ये उम्मीद नहीं थी। चलो आगे बढ़े। हाँ, जमीन पर गुब्बारा। तो यहाँ कोई है। बारबरा खतरे से एक कदम दूर है। उम्मीद है कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। तुम बेटी से नकली खिड़की नहीं छिपा सकते। ठीक है, खैर ये बस किस्मत की। टाड़ा, पकड़ी गई। इसकी कीमत चुकाने का समय आ गया। एक सोडा का फुवारा, सच में एक कोका कोला कोई बड़ी बात नहीं। हाँ खैर, अगर आप बॉटल में कुछ मेंटोस फेंकते हैं, ये अलग है। ओ पार्टी, ये इतना मजेदार नहीं है। लेकिन तभी ये एक सजा है। चार्ली ने एक बात पर विचार नहीं किया। उसने सन बेड पर सबूत छोड़ दिया। अच्छू, वो खराब टाइमिंग थी। चार्ली, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। क्या तुम अभी तक पूरी तरह से लाउंज कुर्सी से जुड़े हुए हो? जाने का समय। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त सजा है। पूल में डाइव मारना सिर्फ आधा चैलेंज है। और अब जमा देने वाली बारिश। ये जमने का समय है। ब्रू, कितनी ठंड है। ये अच्छी बात है, ये गर्मी है। लेकिन बेटी को अभी भी घर में किसी की तलाश है। किचन के दराज खाली लग रहे हैं। उसे दूसरे कमरों को तलाशने की जरूरत है। फेदर्स, तो पिंजरे में चिड़िया है। सवाल यह है कि कहाँ है? शायद बेड के नीचे। नहीं, बैठ जाओ, चार ओर नजर मारे। ये रही एक और खोज। एक इंसान के शरीर के साथ एक घड़ी। खैर, हेलो सैली, ये रही तुम्हारी सजा। वीजर से नाक के बाल निकाल लो। मुझे अपनी डायल दे दो। काफी दर्द करता है। आउच, तुम कितनी गंदी हो। ठीक है, कोई गड़बड़ करने का समय नहीं, क्योंकि हमने अभी तक मैरी को नहीं ढूंढा। वो कहाँ जा सकती है? घर में एक भी छिपने की जगह नहीं बची, तो हमें बाहर देखना चाहिए। चलो बीच पर देखें। ये अजीब है, वो यहाँ पर भी नहीं है। खैर, कहाँ हो तुम मैरी?
बेटी ने बीच पर रेत के हर दाने को पहले ही खोज लिया। और नहीं, समय खत्म हुआ, उसे जीत की घोषणा करनी होगी। हे चलो बाहर आओ, तुम जीत गए, मैं इधर हूँ। किधर? बाल्टी के नीचे। ओह वाह, तुम यहाँ छिपी थी। ये अच्छी जीत है, मैं क्या कह सकती हूँ। अपने आप को रेत में दफनाना, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। क्या आपको हमारा चैलेंज पसंद आया? क्या आप अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं।